हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल आयु की दुनिया। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। और अभी बजे हैं सुबह के 4:45। मैं उठ तो 4:30 बजे ही गई थी, पर उठते के साथ सबसे पहले मैंने मेहंदी लगाई थी हेयर में। दिन में लगाती हूँ तो उसको सूखने में टाइम लग जाता है, अब सुबह सुबह जब काम करूँगी सारा किचन का और ये सब, तो ये साथ साथ सूख जाएगी। मेहंदी लगाने के बाद मैंने झाड़ू निकालनी शुरू की। झाड़ू इससे सुबह सुबह उठते ही मैं निकालती हूँ, क्योंकि जो हमारी काम वाली है सीमा, वो ऊपर झाड़ू पोछा करने के लिए 2 बजे के आसपास आती है। नीचे वो आ जाती है सुबह 4:30 बजे ही, वो नीचे पार्किंग में करती है और फर्स्ट फ्लोर पर, इसलिए सुबह ऊपर तो मैं झाड़ू निकाल ही देती हूँ उठते के साथ ही। थोड़ा बहुत जो कुछ भी पड़ा हुआ होता है ये बच्चे गिरा देते हैं तो सब कुछ साफ़ हो जाता है और पूरे दिन साफ ही रहता है, वैसे इतना गंदा नहीं होता है। झाड़ू निकालते निकालते मुझे बज गए थे 5 और अभी 5 बजे मैं आई हूँ नीचे। ये फ्रिज में से टमाटर निकाले हैं, इनको बॉयल होने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि आज मुझे पनीर की सब्ज़ी बनानी है। रात को ही सोचकर सोना पड़ता है कि सुबह क्या बनाना है, क्योंकि सुबह सोचने का टाइम नहीं रहता कि अभी सुबह सोचने लगे कि क्या बनाना है, रात को ही सोचकर सोते हैं। और जो ये दही रखा था इसको मैंने फ्रिज में रख दिया है ताकि बच्चे जब तक स्कूल जाए उस टाइम तक ये थोड़ा ठंडा हो जाए। अभी आटे को कर रही हूँ, आटे को मैं अच्छे से करके गूंद के नहीं रखूँगी, उसको थोड़ा सा भिगो कर रख दूँगी ताकि थोड़ी देर में जब वो सेट हो जाए तो उस टाइम उसको फिर समेट के रख दूँगी, थोड़ा सा और गूंद के उस टाइम रखूँगी उसको समेट कर। इतने में थोड़ा कुछ और करती हूँ, इतने में भीगता रहेगा। और सुबह तो 2 मिनट भी ऐसे नहीं रहते कि आराम से बैठ कर सांस ले सके। अभी उठ के इसमें से रोटी निकाल कर रख दिया है जो रात को बची हुई थी, इनको नीचे लेकर जाऊंगी डॉगी के लिए। और जब तक ये टमाटर होते हैं और ये आटा सेट होता है उतनी देर में ये मैं लहसुन और प्याज का पेस्ट बना लेती हूँ सब्ज़ी के लिए। प्याज को छील दिया है और लहसुन को भी, अब इनको कट करके इस जार में डाल दूँगी। और साथ में मुझे ये टमाटर भी देखने होते हैं कि कभी ज़्यादा बॉयल ना हो जाए। ये टमाटर भी बॉयल हो गए हैं, इनका पानी निकाल के इनको पंखे के नीचे रख कर आऊँगी थोड़ा ठंडा होने के लिए, क्योंकि गरम गरम ये छिलते नहीं हैं, हाथों में भी छिलते टाइम गरम गरम लगते हैं। इतने वो थोड़ा सा ठंडा हो गए, इतने जो ये आटा मैंने रख दिया था यहाँ पर सेट होने के लिए, इसको रखती हूँ समेट कर, क्योंकि अच्छे से सेट हो गया है। इसको ढककर रखूँगी क्योंकि अभी रोटियाँ बनाने में टाइम है, तो ये ऐसे ही रख देते हैं तो इसके ऊपर एक पपड़ी सी आ जाती है। यहाँ पर अभी बना रही हूँ माँ और पापा के लिए चाय। 5:30 बजे के आसपास मैं नीचे चाय देने जाती हूँ, वैसे तो पापा 4:30-5 बजे उठ जाते हैं पर पार्क में घूमने के लिए चले जाते हैं। माँ उठती है 5:30 के ही आसपास, तो इतने में ये मंदी गैस करके ये चाय बॉयल होती रहेगी और मैं कुछ और काम कर लूँगी, क्योंकि खड़े होकर हम चाय भी नहीं बना सकते, उसमें भी बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, तो मंदी गैस करके छोड़ दिया, ये बॉयल होती रहेगी। और साथ में सब्जी जिसमें मुझे बनानी है वो भगोना भी इस पर गैस पर रख देती हूँ मंदी गैस करके ही, ताकि ये गर्म हो जाए। इतने में कुछ और काम कर लूँगी अपना। इतने में मैं ये टमाटर की भी प्यूरी बना लेती हूँ, इतने में भगोना भी गर्म होगा और ये चाय भी बॉयल हो जाएगी, दोनों तीन काम मेरे एक साथ होते रहेंगे, भगोना गरम, चाय भी बॉयल होगी और ये टमाटर की प्यूरी भी बन जाएगी। एक बार तो मैंने आधे टमाटर की बना ली है, अभी आधे टमाटर रह रहे हैं, कि चाय बॉयल हो गई थी तो इसमें दूध डाल दिया है अभी, और थोड़ा सा ये दूध 1 गिलास मैं नीचे डॉगी के लिए लेकर जाती हूँ। बेचारे वेट करते रहते हैं नीचे, जैसे ही मैं जाती हूँ उनको मैं रोटी डालती हूँ और दूध, जैसे ही मैं जाती हूँ उनको क्या आवाज़ आती है डालने की, वो सोते भी रहते हैं तो भी उठकर अपना पीने के लिए आ जाते हैं दूध। और यहाँ भगोने में मैंने ऑयल भी गर्म होने के लिए डाल दिया है और ये टमाटर भी सारे छील कर जार में डाल दिए जो बचे हुए थे।
अभी भगोने में बस प्याज वगैरह डालती हूँ। प्याज मंदी मंदी गैस में इतने भूनती रहेगी आराम से। अभी जीरा ही डालूँगी स्टार्टिंग में। पनीर की सब्ज़ी भी दो तरह से बनती है, एक जो मैं बनाने लग रही हूँ ऐसे टमाटर को बॉईल करके उसको अलग से पीसना और प्याज को, और एक बनती है थोड़ा सा इनको भून कर टमाटर को और प्याज को भून कर उनको ठंडा करके फिर उनकी प्यूरी बनाना। वैसी भी बनाती हूँ, ये भी दोनों तरह से ही अच्छी बनती है। वैसे तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसमें थोड़ा कम लगता है। अब तो वो बनाती हूँ जो उसके साथ चावल भी बनते हैं, क्योंकि चाँद को चावल पसंद है, उस वाले के साथ वो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनती है, एकदम ढाबा स्टाइल शाही पनीर। ये जो मेरी चाय भी बन गई थी जो मैंने बॉयल होने के लिए रखी है और इस बोतल में डालकर रख दिया है। पहले मैं नीचे लेकर जाती थी जब माँ की कटोरी में और पापा की कप में ही लेकर जाती थी, पर अभी कभी कभी जब लेकर जाती तो माँ नहीं उठती थी और वो चाय ठंडी हो जाती थी, इसलिए पापा ये बोतल लेकर आए थे। ये प्याज भुन गई है और इसमें साथ में भी टमाटर डाल दूंगी। टमाटर डाल के इसको ढक के रख के नीचे इतने में पापा और माँ को चाय देकर आ जाऊंगी, और डोगी की भी जो रोटी डालनी है वो रोटी डाल कर आऊँगी। बस अभी जा रही हूँ चाय देने के लिए, फिर टमाटर को होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा भुनने में इनको, तो इतने में मैं चाय देकर आ जाऊँगी। अभी चाय देकर आ गई हूँ और ये टमाटर अभी भी नहीं हुए हैं क्योंकि बहुत टाइम लगता है इनको भुनने में। इतने में मैं ये पनीर कट कर लेती हूँ। और सुबह मुझे 5 से 6 के बीच में अपना किचन का काम निपटाना ही होता है, अगर थोड़ा भी लेट हो गए तो बच्चों के फिर सारे काम लेट हो जाते हैं। पनीर कट गया है, टमाटर अभी भी नहीं हुए हैं क्योंकि उनको अगर तेज़ गैस भी ज़्यादा करती हूँ तो वो नीचे जलने का डर रहता है, तो इतने टमाटर आराम आराम से होते रहेंगे। मैं ये काउंटर साफ़ कर लेती हूँ और जो ये बर्तन है साइड में ये हो जाएंगे साथ में, और ये टमाटर तो अपने भुनते ही रहेंगे आराम से। बनाने वाली तो थी मैं एक घिया का रायता, पर पापा रात को पनीर ले आए थे तो चाँद ने बोला कि पनीर की सब्ज़ी बनानी है, तो फिर सुबह उठते ही फिर पनीर की सब्ज़ी ही बनाई। अब इन घिया को उठा कर रख दूँगी फ्रिज में। सीमा भी आ गई है नीचे करके पार्किंग में, पहले नीचे पार्किंग में करती है फिर फर्स्ट फ्लोर पर आती है, तो ये नीचे करके आई है अभी, और अभी यहाँ से करके चली जाएगी कहीं जहाँ कहीं और काम करती है, फिर आएगी ये ऊपर करने के लिए 2 बजे के आसपास। टमाटर भुन गए हैं, पनीर डाल दिया है इसमें, अभी जितनी मुझे इसमें चाहिए इसकी ग्रेवी उसके अकॉर्डिंग पानी डाल दूँ मैं। पनीर को मैं भूनती नहीं हूँ, कच्चा ही डालती हूँ, क्योंकि एक दो बार मैंने भून के डाले थे तो किसी को अच्छे नहीं लगते, इसलिए उसके बाद मैं कच्चे ही डालती हूँ, तो ऐसे भी टेस्टी सब्ज़ी बनती है। इतनी सब्जी में बॉयल आएगा, उबाल आएगा एक, इतने मैंने तेज़ गैस की हुई है अभी, और जो बर्तन साफ़ किए थे इनको अपनी अपनी जगह पर उठा कर रख देती हूँ। इनका भी पानी निकल चुका है बिल्कुल, तो इनको रख दिया है उठा कर। अभी बारी आई है अपना नींबू का पानी पीने की। सुबह जब ऊपर से आती हूँ तभी एक गिलास पिक कर आती हूँ, और उसके बाद जब मेरा ये जो सारा काम हो जाता है तब मैं अपना एक गिलास नींबू का पानी बना कर पीती हूँ। इसमें मैं मीठा वगैरह कुछ भी नहीं डालूँगी, सिर्फ एक गिलास पानी और उसमें एक नींबू निचोड़ कर ऐसे ही पी लिया है। 6 बज गए हैं, नीचे सब्जी भी बन गई थी और बनाकर मैंने फिर चाहत को उठाया क्योंकि वो नीचे ही सोती है अपनी माँ जी के पास, तो उसको उठाकर लेकर आई हूँ, वो अभी नहा रही है, और इतने में अभी आयू को उठाऊँगी, अभी ये सोने लग रहा है, तो मैंने सोचा अभी चादर फोल्ड करके रख देती हूँ इतनी देर में, फिर इसको उठाती हूँ, और ये एक दो चीज़ें रात को अभी यहीं पर रख कर सो जाता है, इनको उठाकर रख देती हूँ। मैंने सुबह यहाँ से झाड़ू नहीं निकाली थी क्योंकि आयु भी सो रहा था यहाँ पर और दीपक भी सोने लग रहे थे, तो मैं इस रूम में नहीं आई थी, तो अभी झाड़ू अभी निकाल रही हूँ इस कमरे की। गर्मी
गाइस गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है, जो मैंने मेहंदी लगा रखी है ना सारी टपकने लग रही है, सर में इतने ज़्यादा पसीने आ रखे हैं। बस आयू को उठाती हूँ यहाँ से, चादर वादर ठीक करती हुई है क्योंकि नहाएगा अभी। उठाऊंगी आयू को क्योंकि चाहत भी नहा ली है, ये भी उठ कर नहाएगा अभी, ये अभी जा रहा अपना पानी पीने के लिए, उसके बाद नहाएगा। इतने में मैं इस बेड शीट को कर देती हूँ सही, अच्छे से इसको बिछा देती हूँ। आयू नहा कर अपने यहाँ बैठ गया है और मैंने इसकी यूनिफॉर्म निकाल कर ये रख दी यहाँ पर, ये इतने पहनेगा, इतने मैं नीचे जाकर खाना बना के लेकर आती हूँ। अभी आई हूँ मैं नीचे, अभी बनाती हूँ खाना। इतने में तवा गर्म होगा, इतने में इनके लंच बॉक्स निकाल के रख देती हूँ बाहर। ये सब्जी भी बना कर गई थी पनीर की, ये गरम है, तो इनके जो टिफ़िन हैं लंच बॉक्स वाले छोटे, इनको इनमें सब्जी डालकर ठंडा होने के लिए रख कर आ रही हूँ फ़ैन के नीचे, क्योंकि वो एकदम गरम गरम होती है तो भाप सी बन जाती है उस टिफ़िन में, तो उनको फ़ैन के नीचे रख कर आ गई हूँ ठंडा होने के लिए। और रोटी रखने के लिए फॉइल भी रख दिए हैं। तवे को मैंने मंदी गैस पर ही रखा है क्योंकि इतने सारे काम हो जाएंगे, इतने वो गर्म भी हो जाएगा। लंच बॉक्स भी निकल गए हैं, खाने के लिए भी मैंने उनकी सब्जी डाल दी है, प्लेट्स वगैरह निकाल दिए हैं और अब उनके लिए बना रही हूँ रोटियाँ। ये सुबह दूध वगैरह नहीं पिक कर जाते हैं, जो सुबह बनता वही खा कर ही जाते हैं, चाहे दही से खा कर जाए चाहे सब्जी से। रोटियाँ बन गई है और अभी पैक कर रही हूँ उनका लंच, खाने के लिए मैंने रख दिया है थाली में डालकर। ये लंच पैक कर दिया है और ये इनके खाने के लिए रख दिया है। ये अनार को अभी छील लेंगे, अनार छील दिए हैं, आयु के फूड ब्रेक में लेकर जाता है तो उसके डाल रही हूँ अभी। साढ़े सात बजे आई और चाँद स्कूल के लिए चले जाते हैं, और उसके बाद अभी मैं नहाई हूँ और नहाकर पूजा कर रही हूँ, क्योंकि उनके जाने के बाद ही मेरा नहाना होता है और उसके बाद ही पूजा होती है, उससे पहले टाइम ही नहीं मिल पाता है। पूजा करने के बाद अभी मैं जाऊँगी पीपल में पानी देने के लिए, वही ले रही हूँ अभी, जो सामने पार्क है इसी में ही जाऊँगी। आपको मेरी मॉर्निंग डेली रूटीन कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी जा रहे हैं बस पीपल में पानी डालकर घर, और आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।